क्योंकि यहाँ पे कुछ मामला तो होते हैं जो मैं सुनता हूँ, जो मैं देखता हूँ, लड़कियों के साथ काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो कोई कौन सी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ होती हैं? एक और चीज मैं आपको बताऊंगी। मैं पहले से ही दिमाग में सेट करके आई थी कि मैं पुर्तगाल जाके फिर थोड़ा अपना खुद का बिजनेस करूं, तो इधर आके बहुत मसला हुआ 6-7 महीने। फिर उसके अच्छा है, और एक मसाज रूम भी ऊपर है। मसाज रूम भी रखा हुआ है, वॉइस का भी है हाँ सिस्टम। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। जैसे कि हमारी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वृंदा ने अपना टीआरसी कार्ड कैसे लिया, और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं या आपका स्पॉन्सरशिप वीजा होता है तो आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, आपको एक एक चीज बताई थी। और अभी दूसरे पार्ट में आपको बताने लगे हैं कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो और अगर तो आप एक लड़की हो, आपने ये बिजनेस कैसे ओपन करना है। जैसे कि वृंदा ने ब्यूटी पार्लर डाला हुआ है, और ये लड़कियों के लिए एक बहुत प्राउड की बात है कि एक लड़की हो के इसने इतना अच्छा सा सेटअप बना लिया। ये इतना बड़ा नहीं है, इट्स नॉट सो बिग बट इट्स ब्यूटिफुल, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये अपना अर्न खुद करती है, किसी पे डिपेंड नहीं है, अपने पैसे खुद बहुत अच्छी तरह ये कमाई वगैरह कर रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि वृंदा ने ये ब्यूटी पार्लर पुर्तगाल में कैसे डाला है, कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, इसको कितने पैसे बच जाते हैं, इनकी इनकम कितनी है, एक एक चीज आपको बताने लगा हूं। और कुछ भी आप लोगों से पर्दा नहीं रखना, क्यों वृंदा? ऐसा ही है। तो आज आप लोगों को फिर से एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाओ कैमरामैन के पास। तो जरा लोगों को बताओ कि सबसे पहले आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और कितने पैसे लगे, और आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कहीं और जॉब भी की थी या सीधा यही आपने ओपन कर दिया? हेयर वी गो, वेलकम भी कहते हो। फर्स्ट वेलकम एंड थैंक यू सलमान। वेलकम, बोलो बोलो, सबको पता है। मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं आपकी इंग्लिश भी बहुत गुलाबी है, उर्दू तो है ही है। करो करो। ओके। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि आपने अभी बताना है लोगों को कि आपका जो ये आपने ओपन किया है, ये आपने कैसे ओपन किया है, कहाँ से सीखा है, आप नेपाल से सीख के आए हो या आपने कहीं और भी काम किया है? हियर वी गो। मैं नेपाली हूँ, नमस्ते नेपाली सब पे जाना लाइक। अनि मैं अभी हिंदी में बात करूंगी क्योंकि आई विल एक्सप्लेन, डोंट सलमान वरी। ठीक है। मैं नेपाल से आई हूँ, 9 महीना हो गया, और फिर मैंने इधर आके 6-7 महीने तक काम किया। मैंने पार्लर में ही काम किया, वेरी गुड। और फिर मैं नेपाल से पहले से ही सीख के आई हूँ, और हाँ मुझे थोड़ा पहले से ही आता था। और इधर आके मैंने, क्योंकि इधर उधर का थोड़ा अलग भी होता अलग है भी ना, होता है। क्योंकि इधर का थोड़ा अलग और उधर का अलग होता है, कहीं का भी अलग अलग होता है। और फिर पुर्तगाल का मेरा थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया। फिर उसके बाद मैं सोची तो काम ज़्यादा यही है, हमेशा क्यों दूसरे का काम करना, खुद का भी करना चाहिए। वेरी गुड, तो फिर मैंने सोच लिया और फिर मैंने खोल लिया। क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छे से फिर खोल लिया। नेपाल से तो सीखा ही है, यहाँ आके भी यहाँ सीखा पे है, ट्रेनिंग लिया क्योंकि है। यहाँ की क्योंकि यहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो अच्छा है कुछ लफ्ज़ भी सीख लिए। वृंदा ने पुर्तगीज भी बोल दिया। हाँ, पोको पोको सीख लिया, अच्छा है। तो इसके बाद इन्होंने ये अपना बिजनेस डाला है। अभी आप लोगों को ये बता दो वृंदा कि ये आपने जब ब्यूटी पार्लर डाला, इसका रेंट वगैरह कितना है? और अब मैं देख रहा हूँ आपने जरा मेन स्ट्रीट में नहीं डाला हुआ, आपने जरा छुप के बैठे हुए हो, तो क्यों छुप के बैठे हुए हो ये भी जरा कैमरामैन को बताएं, हमारी ऑडियंस को क्यों? बताएं। क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस मैंने कभी नहीं किया, ओके। और फिर मैंने सोचा कि ज्यादा वो जो हाईवे में होता है तो ज्यादा रेंट होता है, वेरी गुड। ज्यादा सब कुछ ज्यादा होता है। और फिर काम है, आपका काम अच्छा है अच्छा तो है तो कहीं पे भी कर सकते हो। और फिर मैंने क्या सोचा, मुझे लेना था पार्लर तो मुझे इधर मिल गया, और फिर रेंट भी कम है, और फिर मैं कर सकती हूँ, ऐसा सोच के फिर मैंने इधर लिया। फिर भी अच्छा ही है, इतना बुरा भी यही बात मैं लोगों को नहीं बताना है। चाह रहा था कि आपने जरा छुप के बैठे हुए हो, और यहाँ पे सबसे बड़ी वजह ये है, ये जरा अंदर में है, तो ये मेन में है। मेन के मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 4 से 5 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने पे, लेकिन ये अंदर गली में है। और इनका रेंट वगैरह कितना है ये भी आपको बताता हूँ। रेंट कितना है आपका, रेंट तो ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा नहीं, कितना थोड़ा कितना है बता दो ना प्लीज। सब इंक्लूड करके हो जाता है 500। 500 क्यों? और मैं तो हाँ देख रहा हूँ आपके ऊपर में साथ हाँ सेंटर भी एक है। हाँ रूम भी है, क्योंकि ये पुराना घर है ना, हाँ तो हाँ पुराना ही है पार्लर भी, सही। और फिर इधर का
सब कुछ अच्छा है और एक मसाज रूम भी ऊपर है। मसाज रूम भी रखा हुआ है। बॉयज का भी है सिस्टम? नहीं सिर्फ लड़की का है। अच्छा ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों का है, वेरी गुड। अच्छा यही है कि आप कुछ भी अपना सीख के आए, आप पॉलर का काम सीखें, आप टीचिंग का सीखें, व्हाटएवर नर्सिंग का सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नेपाली ही ब्यूटी पार्लर नहीं है, इंडियन है, हाँ, पाकिस्तानी है, यहाँ पे भी ठीक ठाक इनका कंपटीशन होता है ना आप लोगों का, ठीक ठाक तगड़ा, अभी तो कुछ और ज्यादा हो जाएगा। हाँ, सही है। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, मैं पहले से ही दिमाग में सेट करके आई थी कि मैं पोर्चुगल जाके फिर थोड़ा अपना खुद का बिजनेस करूं, तो इधर आके बहुत मसला हुआ 6-7 महीने, फिर उसके बाद थोड़ा 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 करके मैंने खोल लिया। क्या बात है, तो क्या बात है, ये बात भी आपने क्लियर कर दी। ये जरा बता दो, अभी ये भी लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है मेरे से। हाँ? कि जब एक हस्बैंड वाइफ या फैमिली के साथ इंसान होता है, जैसे कि आप अपने फैमिली के साथ हो, तो आपके एक्सपेंसेस जो पुर्तगाल में हैं वो आप ठीक से इजीली मैनेज कर लेते हो, पहले तो ये बता दें, और आपकी इसकी इनकम कितनी आती है इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, पहले आप ये बता दें। इनकम भी बताना पड़ेगा? इनकम तो बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं नहीं अभी क्योंकि मैंने खोला हुआ 1 महीने हो गया, तो नया नया खोला है इन्होंने, वेरी गुड, नया हुआ, तो मेरा बिजनेस अभी इतना भी बुरा भी नहीं है और अच्छा भी नहीं, क्योंकि अभी सीजन भी नहीं है ना पार्लर का, विंटर है, कोई पानी बारिश इधर उधर होता है, तो अभी फिर भी ठीक है, 2,000-2,500 होता है। क्या बात है, देखो जी इन्होंने अपनी इनकम फिर भी बता दिया है। वृंदा, इसका मतलब आप 2,500 यूरो तक कमा लेती हो, ठीक है। ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे एक वर्कर भी अपने साथ कोई रखा होगा या रखी होगी, तो आपने उसको भी पे करते हो, तो क्या आप सब कुछ कट कटा के, बिजली का रेंट आपका चला गया, इसका रेंट वगैरह चला गया, 500 आपका रेंट चला गया, आपने ऑफ कोर्स एक बंदे की सैलरी भी देनी होती है वो भी चली गई, तो इसका मतलब आपको स्टार्ट में 1,000-1,200 बच जाता है आराम से, तो ये बहुत अच्छा है, कोई हेजिटेशन नहीं, किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, और आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बढ़ रहा है। वेरी हैप्पी है, हाउ कूल, आर यू सैटिस्फाइड? यस, कूल। ये बहुत अच्छी बात है कि वृंदा बहुत ज्यादा सेटिस्फाई है, क्योंकि अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया और इतनी अच्छी इनकम हो रही है, और टेंशन भी नहीं है, हाँ भाई ये करो वो करो, किसी की बातें भी सुनने की जरूरत नहीं है, तो ये लड़कियों के लिए वीडियो तो बहुत ही कमाल की हो जाएगी। कोर क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं, मोस्टली लड़कियां बहुत ज्यादा पूछती हैं, यहाँ पे आपको कोई मसला तो नहीं होता, कोई बॉयज भी आते हैं, आप बॉयज के भी बाल काटते हो यहाँ पे कुछ करते हो? नहीं नहीं अभी तो नहीं करते, फिर भी आते हैं इधर, थोड़ा नजदीक बॉयज हियर है, हाँ उधर से थोड़ा लाइन होता है, तो इधर आते हैं, बोलते हैं मेरा बाल कट कराना है, मुझे मसाज कराना है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, फिर भी मैं बोलती हूँ नहीं नहीं इधर तो जेंट्स का नहीं। आप बोला करो ना कि 200 या 300 सुन के फिर वो वैसे ही भाग जाएंगे। नहीं वो पता चलता है ना उसकी बात से, क्या क्या क्यों आए, क्या बात करना है। अच्छा ये भी क्लियर कर दिया, ये भी लड़कियों का होता है, तो इसलिए आपको जरा फोकस और एक्टिव रहना है, क्योंकि हर जगह ही, चाहे आप इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, कहीं पे भी बिजनेस ओपन करते हो, इवन पाकिस्तान में भी, वहां पे भी बहुत ज्यादा ठरकी होते हैं, वहां पे भी बहुत ज्यादा लाइनें मारने वाले होते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन भी लड़कियों का, फैमिली का क्लियर कर दिया कि अगर आप पुर्तगाल में अपना बिजनेस ओपन करते हो एज अ वोमेन, एज अ गर्ल ब्यूटी पार्लर डालती हो, तो आपको इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है और आपको इसको इस तरह से हैंडल करना है। और जैसा कि मैं एक चेयर पे बैठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि वृंदा की हाइट कुछ ज्यादा ही लंबी है, क्योंकि अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो ये वीडियो से आउट हो जाएंगी। एनीवे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इनकम भी बहुत अच्छी है और आप छुप के बैठी भी हो, तो आप जरा लोगों को ये बता दें कि आपके पास अगर कोई आता है तो आपके रेट्स वगैरह हाई है, कम है, लोअर है, ये भी जरा लोगों को बता दें, और आपकी दुकान है कहाँ पे पुर्तगाल लिस्बन में, ये भी बता दें, ताकि आप लोगों को थोड़ा डिस्काउंट भी दे सको, हर ये नहीं कि हाँ आप लोगों के बस गले ही काटते रहे, लोगों को डिस्काउंट भी दो, बताओ। ऐसा नहीं है, रेट की बात तो नहीं है, दूसरे जगह से रेट तो बहुत कम है, क्योंकि मैंने अभी अभी नया स्टार्ट किया है। एड्रेस इधर है रुआ मारिया दा फोनते 13A, तो ये इंतिदेंट में है, और मेरा सलून का नाम है स्टाइलिश ब्लीच ब्यूटी सलून। क्या बात है, तो ये टिकटक में भी है, एक बार जरूर आइए। एक बार जो मुझे लगा क्या कहने लगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और वृंदा थैंक यू सो मच, जाते जाते कुछ कह दो नेपाली में, कह दो सबै नेपालीलाई धन्यवाद भिडियो हेर्दिनु भएकोमा, अनि सब्सक्राइब गर्दिनु होला, एन्ड सब्सक्राइब गरिए। थैंक यू सो मच, नेपाली भी बहुत गुलाबी है। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, एंड टेक केयर, बाय बाय बाय।